ए, चल भाई।
बचाओ बचाओ, प्लीज मुझे बचा लो, बचाओ, मेरी हेल्प करो। अंकल, अंकल, शालू, 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 शालू डर गए क्या? कितना पसीना आ रहा है तुम्हें? ए, नाराज क्यों होते हो? मैं तुम्हें थोड़ा शॉक देना चाहती थी। जाना। जय जय। क्या बाबू, डर गए क्या? मैं आऊं। एक मिनट, एक मिनट। ये क्या बाबू ऐसे घूर रहे हो? दशावतार में कमल जी ने ऐसा ही गेटअप किया ना, उनका 10 गेटअप चल सकता है। मैंने एक गेटअप किया तो इतने नखरे दिखा रहा है। उसके लिए औकात चाहिए। तू भी सही बोल रहा है। ये क्या है शालू? ये सब इनका ही प्लान था। अच्छा ठीक है ठीक है। अंकल, संडे मॉर्निंग को म्यूजिक डायरेक्टर युवन को रिकॉर्डिंग के लिए हाँ कर दो। ये तो मैंने तुम्हें कल ही बताया था। कल देवा सर की सुबह 8 बजे रिकॉर्डिंग रखी है, उन्हें फोन कर दो। हाँ हाँ, मैंने उनको भी बोल दिया है। अगले महीने श्रुति का ऑर्केस्ट्रा है ना? एडवांस सबसे ले लिया है। इतना क्या सोच रही हो? बस यही दो लोग बाकी थे, सबसे पैसे ले लिए हैं। मुझे जैसे कुछ प्राइवेट बात करनी है, जाइए यहाँ से। तो इतना इनडायरेक्ट क्यों बोल रही हो? सीधे सीधे बोल सकती हो ना, गोल गोल घुमा के बात करती हो। जाता हूँ। मेरे पास आओगे तो अंकल को बुला दूंगी। तो क्यों भेजा उन्हें? बुला लो ना अंकल। इलिमल, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें रूम नंबर 206 में स्कैन लेने को भेजा था, जल्दी लेकर आओ। ठीक है जी। ठीक है। अरे रे रे, ओके डॉक्टर, अभी लेके आता हूँ। हेलो डॉक्टर, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है प्लीज बताएंगे? डोंट वरी, ही विल गेट बेटर। We are getting positive response यार? from the आज तू और तेरा लवर एक ही जैसा ड्रेस पहन कर आए हो। आप चलिए, मैं आपको बुला लूंगा। अच्छा, रात को बात करके निकलते हो क्या? रात को बात हुई होगी कि इसी कलर की ड्रेस पहन कर आऊंगी। ऐसी बात नहीं है, ये सब एक्सीडेंटली हो गया होगा। तू एक बात जानती है क्या, मैं उसे प्यार करती हूँ, वो नहीं जानता। ए, पहले तू जय को बता कि तू उससे प्यार करती है, नहीं तो ना। नहीं तो मैं प्रपोज कर दूंगी, मार डालूंगी। तुम क्या, कोई और भी प्रपोज करेगा तो उसे भी मार डालूंगी। हेलो अंकल। आओ। हेलो अंकल। क्यों जय, बहुत बिजी रहते हो आजकल, जब बुलाता हूँ तभी आते हो। नहीं अंकल, बस थोड़ा बिजी हूँ। रजिस्ट्रेशन की डेट कंफर्म हो गई है, वही बताने के लिए बुलाया है। ओ, रजिस्ट्रेशन की डेट कंफर्म हो गई अंकल? हाँ बेटा, 23 अगस्त को रजिस्ट्रेशन की डेट मिली है। सुपर अंकल। जय, तुम्हारे फैमिली की प्रॉपर्टीज लगभग 150 करोड़ रुपए की है, जो कि तुम्हें इस बार जरूर मिल जानी चाहिए। देखो बेटा, वसीयत के मुताबिक ये लास्ट डेट है। अगर 23 अगस्त को रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और ये पोस्टपोन हो गया तो तुम्हारी ये जायदाद ट्रस्ट को चली जाएगी। तुम खुद जानते हो
इस जायदाद को पाने के लिए और तीन फैमिली पहले से पीछे पड़ी है। जब तुम्हारे दादा को ये जायदाद मिली तो उन्हें मार दिया गया था। तुम्हारे पिता ने भी आत्महत्या कर ली। वो आत्महत्या थी या कत्ल, जांच का विषय है। रजिस्ट्रेशन की डेट कंफर्म हो गई है, तुम भी जरा केयरफुल रहना। अंकल, जय का कोई भी दुश्मन नहीं है तो इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम ना हो और ये जायदाद इसे मिले, ये मैं भी चाहता हूँ। देखो, आजकल 5,000 और 10,000 रुपए के लिए कत्ल हो जाते हैं, फिर तुम्हारी कीमत तो 150 करोड़ रुपए की है। इस बात को समझते हुए केयरफुल रहना। जी अंकल। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं अंकल, मुझे भी डर लग रहा है। ए, तू क्यों डर रहा है यार, तुझे कोई नहीं मारेगा। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी में तेरा हिस्सा थोड़ी है। तू बस मेरा कजिन है, इसलिए कुछ नहीं होगा तुझे। ए, देखिए ना अंकल कैसी बातें कर रहा है, मैं तो बस इससे कुछ ना हो इसी की टेंशन में हूँ। सॉरी अंकल। ओके अंकल, आपने जैसा कहा मैं बिल्कुल केयरफुल रहूंगा। और कोई बात नहीं अंकल। और क्या बात होगी, अब फोन आ गया ना, एक बार फोन बज गया ना तो आप इसे कुछ भी बोलेंगे तो ये सुनने वाला नहीं है। ए, हॉस्पिटल से कोई इंपॉर्टेंट कॉल है? हाँ अंकल, एक पेशेंट बहुत सीरियस है और जब भी उसका फोन आता है तो इसे जाना ही पड़ता है। ओके बाय, कल तुमसे मिलूंगी, तुम घर पहुंचते ही मुझे फोन करना। शालू। तुम हमेशा एक ही ख्याल में खोए रहते हो, लगता है बिना मार खाए तुमसे नहीं रहा जाता। शालू, आज रात को कोई फिल्म देखने चले? ओके। बाय। जय। अरे श्रुति, क्या हो गया, तुम इतनी रात को, बैठो ना। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और यही सही वक्त है। क्या बात करनी है, एनीथिंग इम्पोर्टेंट? ऑफ कोर्स। ओके सिट। दे भाई एक कॉफी लाना, बैठो ना। हेलो, हाँ बोलो शालू। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, फ्री हूं, बोलो ना। ये क्या श्रुति, सरप्राइज विजिट, बैठो ना। ये लीजिए। नया अभी शालिनी ने रिकमेंड किया है, और जब शालिनी ने रिकमेंड किया है तो ये मना कैसे कर सकता है। क्या हो, कॉफी अच्छी नहीं है क्या? अच्छी नहीं है। क्या हुआ? अच्छी नहीं लगी। कॉफी अच्छी नहीं लगी या शालिनी अच्छी नहीं लगी? सॉरी श्रुति। अच्छा राधे, श्रुति आज अपने साथ डिनर करेगी। रहने दो जय, मैं घर पे खाऊंगी। ए, कितने दिन हो गए हमने साथ खाना नहीं खाया, आज खाएंगे। हे, आई एम वेरी सॉरी, जस्ट 2 मिनट्स प्लीज। बोलो शालू। एक बार शालिनी का फोन आ गया ना तो ये फोन से चिपका ही रहता है। ठीक है, मैं डिनर का बंदोबस्त करता हूँ। Yeah.
हे श्रुति कहाँ गई? क्या कितनी देर से इंतजार कर रही थी तेरा, फिर वो थक के चली गई। एक काम कर, फोन करके पूछ ले। शालू, आई लव यू। आई लव यू टू। बाय जय। बाय। क्या अंकल, फेसबुक पे हो? लगे रहो। शालू, 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 हमेशा बालकनी में बाय कहने आती हो, आज क्यों नहीं आई? नहाने चली गई। चलो कोई बात नहीं, बाहर आके बाय कह दो, फिर मैं चला जाऊंगा। अब तुम जवाब नहीं दोगी ना, तो मैं दरवाजा खोल के अंदर आ जाऊंगा। तुम सोच रही हो मैं नहीं आ सकता? मैं अंदर आ जाऊंगा, मैं आ रहा हूं। हे शालू, हे शालू, शालू, हे शालू, 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 अंकल, 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 हे
ओके डॉक्टर, श्योर, ओके डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। जय की लवर शालिनी और उसका चाचा, उन दोनों को जहर का इंजेक्शन देकर मार दिया गया। ये आम मर्डर नहीं है। इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करने के बाद पेशेंट का बीपी हाई हो जाता है, ब्रेन तक फटने की नौबत आ जाती है। मेरे हिसाब से ये काम कोई और नहीं कर सकता। जिसने भी मेडिकल साइंस को पढ़ा है वो ही ये काम कर सकता है, और इस बात को डॉक्टर ने भी कंफर्म किया है। मतलब इस मर्डर में डॉक्टर जय का भी हाथ हो सकता है क्या सर? यस। मर्डर के वक्त डॉक्टर जय ने किसी औरत को देखा था, पुलिस को उसने ऐसा बयान क्यों दिया सर? जरूर उसने इस केस को डाइवर्ट करने के लिए झूठ बोला था। बहुत जल्दी हम उसे अंदर डाल देंगे, बस तुम उसके बारे में सारी डिटेल्स कंगालो। गाड़ी रोकिए भाई साहब, गाड़ी रोकिए भाई साहब। मेरी पोती बहुत बीमार है, उसे तुरंत दवा खाने ले जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, आप हमारी मदद कीजिए। घबराओ मत, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। जी चलिए मैं देखता हूँ। बस बाजू में ही घर है, आइए कार में बैठ जाइए। जी आइए डॉक्टर साहब आइए। ये क्या है भाई साहब, ये घर तो बंद है। डॉक्टर अंदर आइए। लाइट तो ऑन कीजिए। लाइट नहीं है यहाँ, यहाँ कोई भी लाइट चालू नहीं होती। आप वहां चलिए। मुझे तो लगता है इस घर में कोई नहीं रहता। ऊपर ही तो रहती है मेरी पोती। तो अभी उसके साथ कौन है? कोई भी तो नहीं। अच्छा तो इतने बड़े घर में आप दोनों अकेले रहते हैं क्या? हाँ। वैसे आपकी पत्नी को हो क्या रहा है, उनकी प्रॉब्लम क्या है? आप सुन रहे हैं ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जवाब तो दीजिए। कहां चले गए? कहां हो? कौन है आप? आप यहां पे क्या कर रहे हैं? मैं एक डॉक्टर हूं,
एक आदमी ने कहा कि उसकी पत्नी बीमार है और मुझे यहाँ लेकर आया। ओ, वो आदमी आपको यहाँ लेके आया है? वो यहीं पे काम करता था। उसकी पोती की हालत बहुत खराब थी, वो मौत से लड़ रही थी। डॉक्टर के आने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया और ये सब वो देख नहीं पाया और वो खुद भी मर गया। अब जब भी वो किसी डॉक्टर से मिलता है वो उसे यहाँ लेके आ जाता है। मैं भी देखो ना पागल हूँ, ये घर सस्ते में बिक रहा था तो मैंने ले लिया। आज भी देखो ना, वो आदमी आपको यहाँ लेकर आ गया। वैसे आप कौन से हॉस्पिटल में काम करते हैं? मैं लोटस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। ओ, डॉक्टर लक्ष्मी के हॉस्पिटल में काम करते हैं? वो मेरी फ्रेंड है। आप बाहर क्यों खड़े हैं? आप अंदर आइए, आइए। आप क्या पियेंगे? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कहते, मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
डॉक्टर इधर आइए। आइए, दरवाजा इस तरफ है। भी एक नहीं, एक ही बार में तीन तीन। हाँ? ये भूत मेरे पीछे क्यों पड़े हैं समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन भी वहां बंगले में भूत देखा था, कहीं ये वही भूत तो नहीं है। एक ही घर में तीन तीन भूत। ये क्या बात कर रहे तू? वो कम उम्र में मर गई थी क्या? नहीं नहीं, बुढ़ी होकर मरी होगी। जय भाई, वो आपके पीछे पड़ी हुई है, इसे मजाक मत समझिए। किसी पुजारी से इसका इलाज करवाते हैं। आप नहा के आइए, मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, चलिए तैयार हो जाइए आप। अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दो। जय भाई, अभी आप अकेले बिल्कुल मत रहिए, मैं आपके साथ में रहता हूँ। इससे अच्छा तो ये तीनों भूतों के साथ ही रहता। हाँ? चल कुछ खाते हैं। जय भाई, थोड़ा दूध पी लीजिए। देव भाई, मैंने जो भूत देखा था ना, ये वही लड़की है। आप उस भूतनी की बात कर रहे हो? हाँ वही है। जवान लड़की ने चलती ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। जय भाई, देखिए ये पेपर बहुत पुराना है, एक साल पुराना। जय भाई, आपने देखा ना, ये लड़की भूतनी बनकर इस पेपर के द्वारा घर के अंदर आ गई है। कोई ना कोई कारण होगा, इसीलिए वो आपका पीछा कर रही है। भाई, आपको हमेशा सावधान रहना होगा। जय, तुझसे कुछ बात करनी है। शालिनी की मौत के बाद तू बहुत बदल गया है भाई। इनफैक्ट तू हमसे खुल के बात भी नहीं करता है। तेरे हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर भी तुझे लेकर बहुत परेशान है। अगर तू शादी कर ले तो शायद सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही बात कर रही हैं। उन्होंने तेरी शादी के लिए कुछ लड़कियों की फोटोज भेजी हैं, देख ले। ए, अगर तूने मुझसे दोबारा शादी की बात की ना, तो मैं क्या कर बैठूंगा मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तुझे जो करना है वो कर लेना, लेकिन पहले ये फोटोज देख ले। चल।
ये कौन है? हट, कितना डांटता है, हर बात पे डांटता है, मैं नहीं बताऊंगा जा। ए, बोलना, ये लड़की कौन है? ओ ये लड़की, इस लड़की का नाम हर्षिता है, इसके माँ बाप नहीं है, गरीब परिवार से। मैं इसे पहले देख चुका हूँ। तो ये अच्छी बात है ना? भूतनी के रूप में। क्या? मैं जिस भूत की बात करता हूँ ना, ये वही है। भूतनी? एक काम करता हूँ, मैं इससे शादी करूंगा और फिर ये जानूंगा कि ये मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है। क्या बात कर रहा है, लोग लड़कियों से शादी करते हैं और बाद में वो भूतनी बन जाती है, और तू भूतनी से शादी करके उसे घर में लाएगा? मैं ये नहीं मानूंगा। तू नहीं मानेगा तो क्या, मैं मान रहा हूं ना। ए सर, शालिनी के मर्डर में जिसपे शक है डॉक्टर जय, उसने अभी भी शादी की सर। ओह, मेरा शक यकीन में बदल गया। लवर को मरे कुछ दिन भी नहीं बीते और ये शादी कर रहा है, कन्फर्म है इसी ने मर्डर किया है। तुम बस देखते रहना, वो इस लड़की के साथ भी बहुत दिन तक नहीं रहेगा। तुम उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करो, उसे जल्दी पकड़ना है, ठीक है? सर, सर, वो शालिनी के ठीक नहीं हुआ, याद रखना। Hey, कौन हो तुम? आखिर तुम मेरा पीछा क्यों करती रहती हो? अभी तो मैं तुम्हारे पास हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मरने के बाद भी तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। hey, मुझे बार बार बेवकूफ मत बनाओ। एक साल पहले ट्रेन एक्सीडेंट में तुम मर चुकी हो। मैं? हाँ तुम। उस दिन तुम ही भूत बनके मुझे बंगले में लेके गई थी, और दूसरे दिन भी तुम दो भूतों के साथ मुझे देखी थी। अब अनजान बनके मेरे सामने नाटक कर रही है? कौन है तू? पता है तेरे बारे में सब जानने के लिए मैंने तुझसे शादी की है, तू आखिर मुझसे चाहती क्या है? ये आपको क्या हो गया है? आपने कोई डरावना सपना देखा होगा, थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ए, तेरा नाटक पहले भी देख चुका हूँ, सच क्या है सीधे सीधे बता, बोलना। हेलो डॉक्टर, मैं नर्स रेखा बोल रही। बोलिए। श्रुति मैडम ने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली हैं। उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है, आपको अभी हॉस्पिटल आने के लिए कहा गया है। मैं अभी आ रहा हूँ। बच गई ऐसा मत सोचना, आके सब पूछूंगा। हे भगवान, हम एटीएम की रक्षा के लिए अपनी जान दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुर्दों की रक्षा के लिए अपनी जान देना कहाँ तक ठीक है? हेलो। हेलो, क्या है? क्या रे, तू अपने पति को डरपोक डरपोक बोलती रहती है? अरे तू जैसे डरपोक को डरपोक डरपोक नहीं बोलूंगी तो क्या विराट कोहली बोलूंगी? ए, व्हाट्सएप पे तेरे लिए एक फोटो भेजता हूँ, 10 मुर्दों के बीच में अकेला ही खड़ा हूँ। फोटो देखने के बाद मेरी डेयरिंग के बारे में बात करना। क्या हुआ अबे? ठीक से फोटो खींच। अबे हिल क्यों रहा है अबे? फोटो खराब आएगी, समझा? ए, क्या कर रहा है रे? सीधे खींच।
चल चल ग्रुप सेल्फी लेते हैं। ग्रुप सेल्फी लूं। ओके ओके थोड़ा मुंह ठीक करने दे। पैकअप होने के बाद मेकअप कर रही है। ए चल चल रेडी रेडी। क्या फोटो खराब कर रहा है? सही कर, खराब फोटो आएगा। अबे तू भी मुर्दा है क्या? क्या रे, मैं मुर्दा हूँ? चल चल रेडी स्माइल। सब तो लेटे हुए हैं, फिर भी मुझे जेल क्यों लग रहा है? अभी जो तूने फोटो खींची है ना, आते वक्त प्रिंट करा के लेके आना, समझा? कहाँ से आते वक्त? ऊपर ऊपर उसके ऊपर उससे ऊपर। मैं नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं, कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। ए मोटे, ए मोटे, चल उठ। क्या कोई सपना देखा? नाइट ड्यूटी क्या सोने के लिए करता है? चल अपना काम कर। ठीक है, मैं चलती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बात है, इतने लेट आए हो? जय, व्हाट हैपेंड? वो मुझे फोन आया था कि तुम स्लीपिंग पिल्स खा के सीरियस हो गई हो। मैं? हाँ तुम बहुत सीरियस हो, ऐसा नर्स रेखा ने बताया मुझे। रेखा नर्स? वो तो यहाँ नहीं है, वो 2 दिन से आउट ऑफ स्टेशन है। क्या कहा? पर मुझे तो हॉस्पिटल के लैंडलाइन से फोन आया था। आर यू श्योर? फोन पे रेखा ही थी? या आई एम श्योर। ये सब उसी का काम हो सकता है। जय, सब कमरा।
ए राधे, तू बिल्कुल सही कह रहा था यार। मैंने अपनी पत्नी के साथ अब तक जो भी किया गलत किया, उसे मारा पीटा। छे, मैं तो खुद पर शर्मिंदा हो रहा हूं यार। वो भूतनी बिल्कुल हर्षिता की तरह दिखाई देती, इसलिए कंफ्यूज हो गया था। अब तो शक नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, हर्षिता भूतनी नहीं है, लेकिन वो भूतनी इसकी तरह दिखती है। ए, क्या बात कर रहा है? कोई डबल एक्शन मूवी चल रही है क्या? ए, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ यार। अरे रुक, घर से फोन आ रहा है। हाँ बोलिए भाभी। ए, एक मिनट। एक मिनट किस लिए? फोन मुझे दे। भाभी, जय आपसे बात करना चाहता है, ये लीजिए। हेलो। 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 हाँ बोलिए। सॉरी। ये आप क्या बोल रहे हैं? सॉरी। क्या है यार, क्या एम्बैरेसिंग सिचुएशन बना के रखा है तूने? अब हेलो दो बार बोल चुका है, आगे बोलना। अरे यार सॉरी बोल के मामला खत्म कर। थोड़ी देर चुप रहना यार। ए भाई, तेरे ये सब नाटक के लिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारे काम है अभी। चल फोन दे इधर। अरे यार तू कैसे इडियट की तरह बिहेव कर रहा है? अरे भाई मुझे सच में एक जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। चल तू भी आ जा। बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सो रहे एक चादर में, हम आओ बेटी। ए, तुम तो अंदर थी ना? जय, तुम्हें क्या हो गया है? मैम, ये तो अंदर थी मैम। देखा ना मैडम, ये हमेशा ऐसी बातें करते हैं। मैम, ये झूठ बोल रही है मैम। हर्षिता मॉर्निंग से ही मेरे हॉस्पिटल में मेरे साथ थी। तुम्हारा बिहेवियर कंट्रोल में कैसे आएगा मुझसे पूछ रही थी। ये बहुत दुखी है। आपको पता नहीं है मैम, ये लड़की नहीं भूतनी है, और मेरी जान लेने के लिए ये मेरे पीछे पड़ी है। ए, नाटक क्यों कर रही है? हम? अरे, अपने आप को क्या समझती है? जय छोड़ो उसे। जय तुम पागल हो क्या? मैंने इस पर यकीन नहीं किया था, लेकिन अब तुम्हें देखकर मुझे इस पर यकीन होने लगा है। मैं सच कह रहा हूँ मैम, मेरा भरोसा कीजिए, ये भूतनी है। ये सब तेरा काम है ना?
क्यों मुझे हमेशा टॉर्चर करती रहती है? जय, जय क्या कर रहे हो? छोड़ो। देखा ना मैम, फर्स्ट नाइट को भी इन्होंने ऐसे ही हरकत की थी। अब मैं इनको कैसे समझाऊं? मेरे हाथ से इनकी लवर का फोटो गिर के टूट गया, तब से ये ऐसे ही कर रहे हैं, छोटी छोटी बात पे मार रहे हैं। मैम ये झूठ बोल रही है मैम, मेरी शालू की फोटो टूटी नहीं। तुम मेंटली डिस्टर्ब हो गए हो। मैम आप समझ नहीं रही हैं। हेलो मैम। ए राधे, जब तू और मैं कॉफी शॉप में बैठे थे तब इसने कॉल किया था ना, तब मैंने इसे सॉरी बोला था। मैम को बता ये सब। क्या बात कर रहा है, मैं और देव सामान लाने के लिए मार्केट में गए थे और तू बोला कि मैं तेरे साथ कॉफी शॉप में था और तूने इसको सॉरी बोला। क्या हो गया तुझे यार? तुझे हो क्या गया? तू भी इसी का साथ दे रहा है? जय, ये सब क्या है? क्यों मेंटल की तरह बिहेव कर रहे हो? मैं कहां मेंटल की तरह बिहेव कर रहा हूं? सॉरी मैम, मैम प्लीज मैम, मैं सच कह रहा हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं मैम, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ए तू जो चाहती है मैं होने नहीं दूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मेरे साथ खेल रही है, खेलेगी तेरी तो नहीं। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया था? देखो मैं तुमसे विनती करता हूं, भगवान के लिए मुझे परेशान मत करो प्लीज। ए, ये रोना धोना बंद कर, सब कुछ करने के बाद रोने का नाटक कर रही है। छोड़ूंगा नहीं तुझे। रिलैक्स जय। मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, मुझे एडमिट क्यों किया? ए तू इधर भी आ गई, चल निकल बाहर, बाहर निकल। जय कंट्रोल योरसेल्फ। मैम ये लड़की नहीं भूतनी है, चल निकल बाहर प्लीज। जय तुम्हें 3 दिन रेस्ट लेने की जरूरत है। मुझे रेस्ट की जरूरत नहीं है मैम। शालू की जाने के बाद तुम बहुत डिप्रेशन में आ गए हो, इसलिए तुम्हें फिजिकली और मेंटली रेस्ट लेनी चाहिए। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? जय तुम भी एक डॉक्टर हो, प्लीज अंडरस्टैंड एंड कोऑपरेट। टेक केयर। जय के नॉर्मल होने तक तुम उसे ना मिलो तो अच्छा है। सॉरी बेटी। देख मैं तुझे शुरू से समझा रही हूँ, तू भी जैसे मिलने उसके घर पे जाया करती थी, अब देख उसके अगल बगल में कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। उसकी हालत देखी, जब से उसकी शादी हुई है उसको इतना टॉर्चर किया है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। जय की फर्स्ट नाइट ना हो इसलिए तूने मुझसे बोला था कि उसे फोन कर, मैंने तो उसे फोन भी किया लेकिन क्या हुआ? प्लीज मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। मैं जो बोल रही हूँ वो तेरे लिए सही है। क्या सही है क्या गलत है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सिस्टर सिस्टर वो जल्दी ठीक हो जाएंगे ना, मैंने उनके लिए व्रत रखा है और मंदिर से ये विभूति लाई हूँ। अगर आप अपने हाथों से उनके माथे पे लगाकर उनके पिलो के नीचे रख देंगे तो अच्छा होगा जी। एक और बात सिस्टर, ये मैंने दिया है उनको मत बताइएगा। इसे जय डॉक्टर भूतनी बोलते हैं, कोई भूतनी मंदिर जाएगी क्या? इस तरह मंदिर से विभूति लेके आएगी क्या? तू ऐसे कैसे बोल सकती है, तुझे कुछ पता है क्या? ए कोई भूतनी मंदिर जा सकती है क्या? वो विभूति लेकर भगवान की फोटो को हाथ लगा सकती है क्या? ऐसी बात नहीं है मंजू, आजकल कुछ भी हो सकता है। काली नीली शूली काली ओम काली नमः, चली जा तू चली जा, जाएगी कि नहीं, जा जा।
ओम काली। आप लोगों को मेरा नमस्कार। आज अंधविश्वास की दुनिया प्रोग्राम में मैं स्वामी वासुदेवन से मिलने आया हूँ और हम देखेंगे कि स्वामी जी लोगों को कैसे कंट्रोल करते हैं और ये सब आप लोगों के सामने सब कुछ लाइव होगा। आपका दिल भी धक धक कर रहा होगा ये सब देखने के लिए, तो आइए देखते हैं। अभी हम स्वामी जी से कुछ सवाल करेंगे। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार स्वामी जी। आज के जमाने में भी भूत पिशाच होते हैं क्या? दर्शक ये जानना चाहते हैं। तुम भगवान पर भरोसा करते हो? हाँ करता हूँ स्वामी जी। जैसे अच्छी शक्तियाँ होती हैं वैसी बुरी शक्तियाँ भी होती हैं। तुम्हें पहचानना होगा, यहाँ लोग आते हैं जब उन्हें भूत प्रेत नुकसान पहुँचा देते हैं। कोई रास्ता नहीं होता, वो मेरे पास ही आते हैं। कोई भी इंसान भूत प्रेत से लड़के जीत नहीं सकता। ऐसी बुरी आत्माओं से लड़ने के लिए हम लोग हैं जो उन पर काबू पा सकते हैं। अभी हम आश्रम में आए कुछ लोगों से बात करेंगे। तुमने अपनी समस्या बता दी है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। जैसा तुमने कहा, तुम्हारी पत्नी को वश में करने में तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि उनके साथ तीन बुरी आत्माएं और भी हैं। इसके लिए तुमने उन तीनों को जहां एक साथ देखा था उसी स्थान पर तुम्हें उसे वहां लेकर आना होगा, लेकिन वो वहां नहीं आएगी। अब जितना मैंने कहा उतना करो, आगे का काम मेरा है, मैं सब संभाल लूंगा। कुछ लोगों की अकाल मृत्यु होने से बुरी आत्माएं घूमती रहती हैं, वैसा ही इस लड़की के साथ भी है। तुम्हारे चारों तरफ बुरी शक्तियां हैं, वो तुम्हारे विरुद्ध आवाज उठाएंगी, वो शांति से जीने नहीं देंगी, तुम परेशान रहोगे, ठीक है? तुम आज रात को 12 बजे उसे उस स्थान पर लेकर आना जहां तुमने उसे देखा था। मुझ पर भरोसा करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है स्वामी जी। भाई जय भाई, भाई आप आ गए। भाई आपके सही होने के लिए मैंने अपनी कुलदेवी से मन्नत मांगी थी। भाई भाई आप ठीक हो गए ना? भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राधे भाई, भाभी जी, भाभी जी। अजय क्या हो गया यार तुझे? ए सॉरी यार, मैंने गुस्से में तुझ पर हाथ उठा दिया, गलत मत समझना यार। छोड़ यार, तूने काफी सालों बाद मुझ पर हाथ उठाया है। पिछली बार जब तूने मुझे मारा था तब मैं 6 साल का था। हर्षिता आई एम सॉरी। तुम तैयार हो जाओ, हम बाहर चलेंगे। फिल्म अच्छी लगी ना? मुझे पसंद नहीं। क्यों? मुझे तो अच्छी लगी, बहुत सस्पेंस और थ्रिलर भी था। तुम्हें भूत की फिल्म अच्छी लगती है मैं जानता हूं। कैसे? सुनिए, हम अभी कहां जा रहे हैं? बताता हूं। ये हम कहां आए हैं? एक आदमी से मिलने आया। यहाँ इस वक्त किससे मिलने? नीचे उतरो, बताता हूं। नहीं मुझे डर लग रहा है। चलो मैं यहीं रुकती हूँ, मुझे डर लग रहा है, आप जाके आ जाइए। मैंने कहा ना चलो। अभी तो दरवाजा बंद है, हम सुबह आ जाएंगे। तुम चुपचाप चलोगी या नहीं?
यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। क्यों, यहाँ लाइट नहीं है तुम ये नहीं जानती क्या? नाटक मत करो, तुम अंदर नहीं आओगी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। चलो। मैं अंदर नहीं आऊंगी प्लीज। ओम काली नमः, ओम काली, ओम नीली, ओम शूली। स्वामी जी, आपने जैसा कहा था मैं इसे लेकर आ गया। ओम काली शूली, ओम काली, ओम काली। डॉक्टर, आप वापस यहाँ क्यों आए हो? आपको यहाँ आने से मना किया था ना? एक बार कहा तो समझ में नहीं आता क्या? चुपचाप गेट के बाहर चले जाओ। कहाँ गया था? आने में बहुत देर हो गई। भाई, आप भाभी जी को बाहर लेके जाने वाले थे ना? वो कब से तैयार हैं? उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, ऊपर ही हैं। हर्षिता ऊपर है क्या? हाँ भाई। हर्षिता, हर्षिता, ए, नाटक कर रही है क्या? आज कोई ना कोई फैसला जरूर लूंगा। चल। क्या हुआ? चल। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे जय, क्या कर रहा है? अरे जय, छोड़, छोड़ ना। अरे क्या कर रहा है तू? इसके बारे में कुछ नहीं जानता जय। मेरी बात तो सुन जय। रुको जय, क्या कर रहा है जय? ऐसा मत कर, गलत कर रहा है जय। रुक जा। अरे रुको भाई, चलो जय। अरे भाभी को क्या कर रहा है जय? तुझे कुछ गलतफहमी हो गई है जय। अरे ये मत कर यार, मत कर। ये क्या कर रहा है जय? मत कर ऐसा। अरे तू गलत कर रहा है जय। मेरी बात तो सुन, हम लोग बैठ कर बात कर सकते हैं जय। जय रुक जा जय। अरे जय मेरी बात तो सुन, हम लोग बैठ के बात करेंगे जय। ऐसा मत कर। आप यही चाहते हैं ना कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? चली जाऊंगी, हमेशा के लिए चली जाऊंगी और लौट के ही नहीं आऊंगी। चल जा। भाभी प्लीज एक और बार उसे माफ कर दो। इससे आगे मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं यहाँ से कहीं चली जाऊंगी। भाभी इस वक्त आप रात को कहाँ जाएंगी? मान जाइए ना प्लीज भाभी। तू कोई आदमी है क्या? पता है भाभी रोती रोती गई अभी, तुझे इसके लिए बहुत बड़ा पाप लगेगा। माफ कर भाई, तू अकेला ही खुश रहे यहाँ पर।
कल हम लोग भी गांव चले जाएंगे, वरना हम लोग को भी तू भूत समझ के बाहर निकालेगा। मैं तुझ जैसे पागल के साथ नहीं रह सकता। भाई भाई उठो, भाई उठो, भाई क्या हो गया? भाई मैंने उसको देखा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने हर्षिता भाभी को देखा। तो चुप रहे, जय ने तुझे ये बोलने के लिए कहा ना। देव हाँ, मैंने अभी भाभी को यहाँ से गुजरते हुए देखा। मैं भी तो कब से यही बात बोल रहा हूँ ना। जय भाई, राधे भाई, जय भाई, डोर बेल।
आइए सर। बैठिए ना सर। सर डॉक्टर जी यही है। आपकी वाइफ हर्षिता कल ट्रेन से कट के मर गई। ये एक्सीडेंट नहीं सुसाइड है। इसी विषय पर बात करने के लिए हम यहां हैं। सर वो कल रात को नहीं एक साल पहले ही ट्रेन से कटकर मर चुकी है। अब वो भूतनी बनकर यहां वहां घूमती रहती है। ये क्या बकवास कर रहे हो। हाँ सर वो भूतनी है। देव भाई वो उस दिन पेपर दिखाया था ना जिसमें हर्षिता के ट्रेन से कटकर खुदकुशी करने की न्यूज छपी थी। जल्दी से वो पेपर लेकर आओ। कौन सा पेपर भाई। अरे वो जिसपे हर्षिता की फोटो छपी थी दिखाया था ना। जाओ टाइम वेस्ट मत करो जल्दी लेकर आओ इनको भी पता चल जाएगा। ये आप क्या बात कर रहे हो भाई। राधे भाई जय भाई कौन से पेपर की बात कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर वो जय को थोड़ा प्रॉब्लम है ट्रीटमेंट चल रहा है। अब कभी कभी नाइट में ये थोड़ा मेंटल हो जाता है अपने कंट्रोल में नहीं रह पाता है तो। कन्नन मैंने कहा था ना इसके टॉर्चर को सहन न कर पाने के कारण हर्षिता ने ट्रेन के आगे कूद कर खुदकुशी कर ली। सर मेरी बात का भरोसा कीजिए उस भूतनी की वजह से ही लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये सब उसी का किया धरा है सर। मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें अब जो कुछ भी कहना है ना पुलिस स्टेशन चलकर कहो। सर प्लीज मैं। मिस्टर चुपचाप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। सर मैंने आपको बताया ना इसका थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम है और ट्रीटमेंट भी चल रहा है। क्या मुझे पागल पागल बोलता रहता है। हमारे सामने मिसबिहेव कर रहा है। चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन। मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकता। क्यों इज्जत से कह रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ हर्षिता ही नहीं तेरी लवर शालिनी का भी केस तेरे पर ला दूंगा। चल चल हाथ हटाइए सर। क्यों धमकी दे रहा तू मुझे। हाथ हटा। सर को हाथ लगाता है। पीछे पीछे रह। रुक जाओ मैं देखता हूं। ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं है इसको मेंटल प्रॉब्लम। अगर दोबारा मुझे पागल कहा तो सर फोड़ दूंगा। नहीं कन्नन रुक जाओ। आना रुक जाओ। चल पीछे। मौत मेरे हाथों से ही होगी। इसे अरेस्ट नहीं कर सकते हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा। ओके सर। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो। जय साइकोलॉजी के लिए थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। हिज माइंड इज नॉट इन हिज कंट्रोल इसलिए ऐसा वो गलत व्यवहार कर रहा है। वेरी सॉरी प्लीज डोंट माइंड इट। यस डॉक्टर आई अंडरस्टैंड प्लीज कैरी ऑन प्लीज। ओके सर। थैंक यू। सर। हेलो डॉक्टर। बोलिए सर। जय में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। नो सर नो इम्प्रूवमेंट। He needs special treatment for his mental illness. इसलिए जय को KMC में शिफ्ट करना जरूरी है। डॉक्टर मुझे आपकी हेल्प चाहिए। कहिए सर। Within 2 days में जय को अपने खानदानी जायदाद की लीगल रजिस्ट्रेशन करानी है। आप तो खुद जानती हैं पिछले 3 पीढ़ियों से कुछ न कुछ रजिस्ट्रेशन में रुकावट आ रही है। वसीयत के हिसाब से ये आखिरी डेट है। अगर किसी वजह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ पोस्टपोन हुआ तो जय को मिलने वाली 150 करोड़ की उसकी खानदानी जायदाद उसे नहीं मिलेगी। सो रजिस्ट्रेशन होने तक 2 दिन तक आप उसे अपने अस्पताल में ही रखिए। जय के फ्यूचर के लिए मुझे आपसे हेल्प चाहिए। श्योर सर। थैंक यू डॉक्टर। और डॉक्टर एक और इम्पोर्टेंट बात रजिस्ट्रेशन होने तक जय के मेंटल प्रॉब्लम के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। डेफिनेटली सर। ओके डॉक्टर थैंक यू। वेलकम सर। हाँ उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देनी होगी। मैं उसकी फाइल तुम्हें दिखा देती हूँ। Come in. अंदर आइए ना। अंदर आ जाओ दरवाजा खुला है। Thank you.
सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रेडी हो गया है, मैं जाकर लेकर आता हूँ, तुम जाकर कपड़े चेंज कर लो। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। फ्राइडे को रजिस्ट्रेशन होने के बाद जय की 150 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, और यही था हम दोनों का प्लान, जय को मेंटल साबित करके मेंटल हॉस्पिटल पहुँचाना, और उसके बाद जय की सारी जायदाद 150 करोड़ मेरी हो जाएगी। मैं और राधे अपनी पसंद की जिंदगी बिताएंगे। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड क्या है? M-O Anyway मनी। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। फ्राइडे को रजिस्ट्रेशन होने के बाद जय की 150 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, और यही था हम दोनों का प्लान, जय को मेंटल साबित करके मेंटल हॉस्पिटल पहुँचाना, और उसके बाद जय की सारी जायदाद 150 करोड़ मेरी हो जाएगी। मैं और राधे अपनी पसंद की जिंदगी बिताएंगे। मेरे जिंदा होने के बाद भी ट्रेन से कट के मरने की मेरी खबर न्यूज़पेपर में छपेगी। ये कुछ ज्यादा ही फनी नहीं लग रहा है? जय को मेंटल साबित करके उसकी जायदाद हड़पने का मेरा और राधे का प्लान है, इसलिए जय को कंफ्यूज करके मेंटल करने का काम शुरू कर दिया है। ये जय की कार आ रही है, तुम लोग हेलमेट पहनो। जय और शालिनी की शादी होने वाली है, जिसे हमने स्पॉइल कर दिया। मैं शालिनी के घर गई थी। नमस्ते दीदी। आओ शालिनी, आपका 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी आती हूँ। आप बैठो, मैं थोड़ा कैंडी क्रश खेल रहा हूँ। कैंडी क्रश मतलब? तुम इसके बारे में नहीं जानते? ये तुम्हारी बेटी है क्या? बहन है सर। इसके लिए काम मांगने आए हो क्या? ओके ओके। बाप
मैंने बहुत आसानी से जय को कंफ्यूज करके मेंटल करना शुरू कर दिया है। तो ये था हमारा प्लान, जय को भूत बंगले में बुलाएंगे। आइए आगे का कैरेक्टर तुम निभाओगे। इस घर में तो कोई नहीं रहता। ऊपर ही तो रहती है मेरी पोती। आप यहाँ अकेले रहते हैं क्या? आपकी पत्नी को क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है बताइए ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे? सुनिए सुनिए, कौन है आप? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। यहाँ आइए। जय के प्लान में आसानी से फंसने वाले थे, बस बच गए। जस्ट अ मिस। ए, मैं सीरियस बात कर रहा हूं यार। हाँ बोलो ना देव। हेलो, मैं बात कर रही हूँ। हाँ बोलो डार्लिंग। संभाल के बात करो, बकवास मत करो। हाँ मैंने प्लम्बर से बात कर ली है, वो 2 घंटे में आता ही होगा। ओके डियर, जैसा प्लान किया है वैसा ही करो। हाँ सब हो जाएगा, डोंट वरी। ओके ओके बाय। ए एक मिनट, एक मिनट। किस लिए? मुझे दे। अब भाभी जय आपसे बात करना चाहता है। हेलो हेलो हेलो, बोलिए ना। सॉरी, ये आप क्या कह रहे हैं? सॉरी, चुप रहना यार।
खुश हूँ। फ्राइडे को रजिस्ट्रेशन के बाद जय की 150 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। ए, ये क्या किया तूने? जय को मार दिया? जय, ए, जय, क्या हुआ तुझे? बहुत प्यार जता रहा है? मैंने पहले ही कहा था कि इसे मारकर हम दोनों इसकी जायदाद हड़प लेंगे, लेकिन तू ये बात नहीं माना। तू बोल रहा था कि इसकी जायदाद ले लेंगे पर इसे मारेंगे नहीं। तेरा प्लान ही घटिया था, और अब इसके मरने के बाद ही इसकी जायदाद हमें मिलेगी। तुझे कुछ समझ में आ रहा है? हे, प्लीज जय को मत मार। ना मारो, इसे जिंदा छोड़ के मुझे जेल जाना है क्या? हाँ, तेरी बात सुन सुन के मेरी जिंदगी स्पॉइल हो गई है। मैंने अपनी जिंदगी कितनी मुश्किलों में जी है कुछ पता है तुझे? गरीबी क्या होती है कुछ पता है? सिर्फ 2 दिन में 150 करोड़ हमारे हाथ में आने वाले थे। सारा प्लान चौपट हो गया, चौपट हो गया सारा प्लान। ए, अब पैसा चला गया ना तो मुझे तू भी नहीं चाहिए। मर जा, मर जा। भाई को बचाने आया था ना, तुझे भी मर जाना चाहिए। Thank you.
हाय। मम्मी क्या हुआ बेटा? इधर देखो। शालू तुम्हें मना किया ना मेरा फोन यूज मत करो, दो। नो शालू, दैट्स नॉट अ टॉय। डैडी ने तुम्हें एक फोन दिया था ना, तुम उससे खेलो। ये दो मम्मी। खुश हूँ, फ्राइडे को रजिस्ट्रेशन होने के बाद जैकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड खुशी खुशी जिएंगे। जैकी 150 करोड़ की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। उसके बाद मैं और राधे खुशी खुशी जिएंगे। मैंने ये सब करने के लिए कितना कुछ नहीं किया पता है आपको? मैंने सबको मार दिया, डॉक्टर को भी मार दिया और उसके अंकल को भी मार दिया। शालू मम्मी सॉरी। चलो खाना खाते हैं।